बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीपिंग इट रियल विद हमजा अमीर पे खुश आमदेद। नाज़रीन, आजकल कोरोना का वक्त है और आजकल एक और भी यूथ पे जो एक नया बूम पाकिस्तान में आया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। आजकल हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसी यूथ भी अब सामने आने शुरू हो गई है जो सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट और किसी ऑफिस की 9 to 5 जॉब के ऊपर लिमिटेड नहीं रही है। उनको अब व्हाइट कॉलर जॉब की जो डेफिनेशन पहले होती थी कि व्हाइट कॉलर जॉब हो, सुबह टाई पहन के ऑफिस जाएं और शाम के 5:30 बजे वापस आएं, तो वो कॉन्सेप्ट सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए हैं क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं और उसकी रियलाइजेशन हमारे अंदर आने शुरू हो। इसी तरह के एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे हैं हु आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड दे आर एक्चुअली मैनेजिंग देमसेल्व्स वेरी वेरी नाइस। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं, मेरे अभी एक आध दिन पहले ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने हैं, खिजर अहमद सिद्दीकी। खिजर से मेरी मुलाकात हुई थी एक फेसबुक ग्रुप वाराची पे और वाराची के ऊपर इस तरह के और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अपने इंट्रोडक्शंस के साथ सामने आए, उन्हीं में से ही खिजर भी थे। खिजर से मैंने पूछा कि क्या आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। He's got a 6-year-old experience in B2B market in TradeKey. If I remember back in 2006, iska bada naam aaya tha Karachi mein, TradeKey koi Chinese company launch hui hai, to usme Khizr rahe hain. Uske ilawa he is a co-founder of mechanicustad.pk, yani ki agar aapki gaadi kharab ho gayi hai to aap mechanic ustad ke paas jaane ki zarurat nahi hai, aap mechanic ustad.pk se bulwa lijiye, ustad aapke paas pahunch jayenge. Dusra hai hukumjanab.pk, ye bhi तरह की है, इट इज सर्विस ऑफ मैकेनिक एंड एसी पर। घर में कोई मसला हो आप फोन करें, आमतौर पर आपको मिल नहीं रहे होते, नखरे दिखा रहे होते हैं, इनसे रब्ता करें, इस वेबसाइट से और कॉल इन करें, एंड देन बी एच डोस्ट है। एंड देन ही इज करंटली द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर dosafair.com। नाम भी आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है और बड़े मजबूत नाम है, एक्साइटिंग है, एंड इट शोज यू नो अ यंग ब्रेन बिहाइंड ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फिजर, मुझे ये बताएं कि व्हाट गिव यू द आइडिया ऑफ ऑप्टिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड नॉट फॉलो दैट पाथ। वो जो हम कहते हैं ना कि बचपन में कहते थे मैट्रिक कर लो बेस बन जाएगी, इंटर कर लिया बेस बन जाएगी, उसके बाद फील्ड ले ली, फील्ड लेके फील्ड में ही जाके जॉब करना, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत टाइम से हमारी यूथ चलती जाई है। आप उन एंटरप्रेन्योर्स में से हैं हु हैड दिस ओन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट टू द मार्केट। कहाँ से आया ये आइडिया, कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट तो हमने नॉर्मल जो हमारे यहाँ के जैसे आजकल के ग्रेजुएट्स हैं, हम भी उसी तरह ग्रेजुएट हुए 2012 में और वही सोच थी जॉब करनी है। और मेरा तो ग्रेजुएट होने साथ ही मैंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था कि मैं दुबई जाऊँगा और मैं जॉब करूंगा। बट जैसे ही पासपोर्ट आया तो फिर मैं अपनी फैमिली की मोहब्बत में रह गया, मतलब मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने पासपोर्ट बनवाया दुबई जाने के लिए, बट खुद ही मेरे दिल में आया कि यार मैं फैमिली के बगैर रह नहीं सकता, तो मैंने वो छोड़ दिया। वो पासपोर्ट आज एक्सपायर भी हो गया, दोबारा कभी रिन्यू नहीं कराया मैंने। फिर मेरी जॉब लग गई थी एक कंपनी में, मैं जॉब वहां स्टार्ट हुई, वहां पे मैंने 4-6 महीने जॉब की। फिर एक नेक्स्ट कंपनी थी TradeKey, जब वहां मैंने जॉब की थी तो वहां से फिर जॉब में रहते थे और उस जॉब में रहते रहते ही हर रोज सोते जागते और उठते बैठते, जैसे हर इंसान को हमारे यहाँ एक बाइक चलाते हुए एक आइडिया आता है यार ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, या हर एक ग्रेजुएट सोचता है यार ट्यूशन सेंटर खोलते हैं या स्कूल खोल लेंगे हम। तो वो हमें बचपन से, जब भी हम ग्रेजुएट थे भी हमने कुछ कोचिंग सेंटर्स ढूंढ लिए थे कि यार यहाँ पे हम करेंगे। तो वो और मैं जब 6th क्लास में था तो मेरे फादर ने एक मेडिकल स्टोर खोला था, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो वो भी हमने चलाया। तो हमें वो हम जॉब भी करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे और दुकान पे भी जाते थे, सारे काम कर रहे होते थे। तो फिर एक दिन आया कि भाई, वो एक दिन क्या आया, मतलब हम TradeKey में काम कर रहे थे, TradeKey में बैठे बैठे हम 3 दोस्तों को ख्याल आया कि यार कुछ कर लेते हैं, और हर कोई हर रोज सोच रहा होता है। Even आप भी इस चीज से समझेंगे कि यार जब ऑफिस में होते हैं लोग तो दो कुलीग्स बोलते हैं यार ये बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस होता नहीं है, बस वो रोजाना एक नया बिजनेस सोच रहे होते हैं। हमने एक सोचा कर लेते हैं और हम तीन, हाँ एग्जैक्टली, तो हमने सोच लिया। और इत्तेफाक की बात है कि हमने मजाक में एक मैकेनिक उस्ताद के नाम का स्टार्टअप डाल दिया यार ये वाला काम कर लेते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने उसको सीरियसली शुरू नहीं किया था और वो एक अच्छा बिजनेस चलने लगा।
डेढ़ साल के बाद मुझे हुआ नहीं यार मैं जॉब नहीं कर रहा, हम तीनों एक साथ ही जॉब करते थे, मैंने जॉब छोड़ दी कि यार अच्छा चल रहा है यहीं से कुछ ना कुछ पैसे कमा लेंगे, और बस ऐसी बगैर सोचे और बगैर घर पे बताए, बगैर घर पे बताए मैंने जॉब छोड़ दी थी कि मैं क्योंकि मेरा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमें जगह मिल गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में, मैंने चलो ऑफिस तो है ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं एक महीने तक वहां जाता रहा कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ। एक महीने बाद जब सैलरी मुझे मतलब मेरे जो पैसे बने मैकेनिक के साथ में रहते जो प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत हमको, वो हमने घर पे लाके दिया और फिर घर वालों को बताया मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि एज मी और एज मेनी मिडिल क्लास पीपल हम लोग अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करते हैं यार, ये अम्मी ये बिजली बिल के पैसे और ये बिल के पैसे, तो क्योंकि हमारे इतने खर्चे होते हैं, तो उस पर जब मैंने बताया तो अब घर वाले रिलैक्स थे, अच्छा अब जॉब छोड़ दिए और अपने काम से पैसे आ रहे हैं, मतलब हर महीने आते रहेंगे, वरना पहले बता देता तो बोलते यार अल्लाह जॉब छोड़ दी अब ये क्या होगा बिल कैसे भरेंगे, वो एक फैक्टर आ जाता है। खैर हमने जॉब छोड़ दी, हमने चलाया विलाया सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा चलता रहा मैकेनिक उस्ताद, बट अनफॉर्चुनेटली मैकेनिक उस्ताद से मैं एग्जिट हुआ, ठीक है वो ड्यू टू सम रीजंस मैंने एग्जिट कर लिया उससे, और उन्हीं दिनों में मैंने सोच लिया था कि यार मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं क्यों, आई वॉज अ को फाउंडर ऑफ मैकेनिक उस्ताद, सो मैंने बोला नहीं यार ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, और मैंने फिर हुक्म जनाब बना लिया। हुक्म जनाब मैंने क्यों बनाया, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यह था कि यार हुक्म जनाब जो है ना वो मतलब शादी हो गई थी तो आदत हो गई थी, और शादीशुदा लोग एग्री करेंगे कि वो हुक्म जनाब बहुत ज्यादा एक दिमाग में चलता है, और वैसे भी मुझे आदत थी यार कि कस्टमर की कॉल आती थी तो हम बोलते थे जी सर हुक्म क्या हुक्म है सर हुक्म बताइए सर, मतलब इस तरह की बातें हमारी फील्म होती, मैंने यार हुक्म जनाब नाम रखे हैं, और मुझे नहीं पता था इतना अच्छा चलेगा तो वो चला, हमने ये सोच के रखा था कि हम मल्टीपल सर्विसेज रखेंगे तो अब हुक्म जनाब में आप आते हैं तो फिर आपको वही गाड़ी का मैकेनिक बाइक का मैकेनिक जनरेटर मैकेनिक और एसी के टेक्नीशियन और यूपीएस की सर्विसेज इस तरह की जितनी भी हैंडीमैन सर्विसेज हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड आई एम एमिंग ये एप्लीकेशन है बकायदा क्योंकि मैंने सीख लिया था पिछले मैकेनिक के साथ एक्सपीरियंस में यार एक सिस्टम होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, थोड़े से पैसे लगाओ दोस्त, मैंने दोस्तों को अपने साथ इन्वॉल्व किया फिर एज अ पार्टनर बट नॉट वर्किंग पार्टनर जस्ट एज अ सीड इन्वेस्टर, मैंने अपने साथ एक फ्रेंड एंड फैमिली को इन्वॉल्व किया उसने अच्छी अमाउंट लगाई, मैंने ऐप बनाई सॉफ्टवेयर बनाया, अच्छा ये सब मेरे ऊपर पहले दिन कोई भी नहीं कर देता, मैंने जब 3 साल का एक्सपीरियंस लिया और लोगों का मुझ पर भरोसा था मेरी नेटवर्किंग अच्छी थी लोग जानते थे हाँ यार इसमें जो इंसेक्ट है इस वीडियो में मैं उस कीड़े वाले वर्ड को थोड़ा सा करता हूँ कि ये जो मतलब एक इंसान में वो होता है ना कि यार वो है इसके अंदर, तो उसने मुझ पर भरोसा किया और आई डिड कि यार चलो ठीक है थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं, तो फिर हमें सीड इन्वेस्टमेंट मिली, जबकि हम पहले बहुत कोशिश कर रहे थे इन्वेस्टर से बात करना, हर इन्वेस्टर से मिलते थे वो अपनी अच्छी अच्छी बातें करता था बट एंड एंड हमें मिलती नहीं थी, वो क्यों नहीं मिलती थी क्योंकि हम इतने बड़े अच्छे फाउंडर नहीं थे, हमारी ट्रेनिंग्स वैसी नहीं थी, हमारी एजुकेशन वैसी नहीं थी, हमारी यूनिवर्सिटीज में वैसी पढ़ाइयाँ ऐसी नहीं हुई थी जो कि एक इंडस वैली के एक फाउंडर की एक स्टार्टअप की हुई होती, तो हमने फिर खैर हुक्म जनाब में इन्वेस्टमेंट मिली चलता रहा मामला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहा है हुक्म जनाब पे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें चलेगा। फिर क्या हुआ फिर डू सफर आ गया बीच में, डू सफर कैसे आया, डू सफर ऐसे आया कि व्हेन आई वाज गोइंग टू बी अ फादर उन दिनों में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार डू सफर के साथ एक जुड़ सकते हैं, और डू सफर एक प्लेटफॉर्म था जो ट्रांसपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहा था जो पैसेंजर्स को बुकिंग में सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने रिलेट किया यार ये हुक्म जनाब के साथ मैच हो सकता है सो लेट्स डू दिस, सो मैं उसमें ज्वाइन हो गया एज अ सीओओ ऑफ डू सफर, और डू सफर फिर हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डे बाय डे क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है आई एम और द वन के मैं फाउंडर हूँ हुक्म जनाब का या सीओओ हूँ टू सफर का तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट यस आई एम एक्सपर्ट ऑफ ट्रेन पीपल आई एम एक्सपर्ट ऑफ हैंडल द फ्लीट मैं मैनेज कर सकता हूँ फ्लीट को मैनेज कर सकता हूँ ऑपरेशन तो मैं वो करता हूँ, लेकिन मैं किसी मार्केटिंग वाले बंदे से बेवकूफ नहीं बन सकता ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने 3 साल में ये सीख लिया यार ये मार्केटिंग बंदा अगर मुझे 1 लाख रुपए मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, मुझे करना नहीं आता होगा बट मैंने स्टार्टअप में रहते हुए क्योंकि हर चीज करी तो यार ये मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि यार एक चीज थी सेल्स, मैं ट्रेड की मैं सेल्स करता था जिससे मैं भागता था और मेरी जॉब भी वहीं लग गई, मैं सेल्स से भागता था लेकिन मेरी जॉब वहीं लगी थी, लेकिन फिर जब मेरे कमीशन आना शुरू हुए ना सेल्स की जॉब में मैंने बोला यार ये तो बड़ी टाइट चीज है, तो उसी सेल्स को लेते हुए मैं अपने कस्टमर सपोर्ट और मैकेनिक्स को हायर करना ये सब करता था, तो फिर डू सफर बना, अब अल्हम्दुलिल्लाह डू सफर ही पाकिस्तान भर में काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टर्स उसको यूज कर रहे हैं, पैसेंजर्स अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, आप कहीं से भी बैठे हुए किसी भी बस के टिकट बुक कर सकते हो, तो ये एक जर्नी मेरी थी जिसमें जिसके बीच में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो शायद रोना आ जाए लोगों को कि यार हम तो समझते थे कि यार ये फाउंडर्स बड़ी ऐश जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जैसे आपने कहा 9 to 5 जॉब नहीं करनी,
लेकिन मुझे पता है कि मैं 7 days a week और 24 hours a day मैं काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एक पैशन क्यों है, क्योंकि मुझे पता है इसका सारा रिटर्न मुझे मिलना है, मुझे पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं कर भी रहा हूँ। वरना 9 to 5 जॉब थी, बड़ी अच्छी थी, हमारा तो 7 से 4 थी, क्योंकि चाइना में काम करता था मैं, तो 7 से 4 ऑफ हो जाता, फिर अय्याशी थी। आज उस लाइफ को मिस करते हैं, बट इस लाइफ की अलग अय्याशी है, तो अल्लाह करे कि हम इसी तरह चलते रहें और बढ़ते रहें। सो ये हमारी एक अच्छी सी स्टोरी है सर, बहुत बड़ी स्टोरी होगी लेकिन ये स्टोरी है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, खास तौर पे B2B या ई-कॉमर्स के ऊपर, जो कि शायद यहाँ कहीं ना कहीं वो सवाल आता है, वो ये कि ई-कॉमर्स बेस्ड बिजनेस चलाने का इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर या इवन फॉर समवन एज अ स्टार्टअप, वो कुछ भी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का ट्रैक कैसे रखे, क्योंकि वो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कोई परसेंटेज होती है जो आपके पहले से आपकी फिजिबिलिटी का हिस्सा होती है? देखें, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं ना, तो देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस, मतलब वो वाला बिजनेस नहीं है ये कि मैं एक दुकान में 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो तू मेरे महीना सेल में से कितना परसेंटेज देगा। स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पे आपको इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे वांट टू सी कि यार आज इस कंपनी की वैल्यूएशन, अच्छा वैल्यूएशन के अलग एक मॉडल्स होते हैं, कोई सेल्स के ऊपर कर लेता है, कोई नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर करता है, कोई नंबर ऑफ डेटा के ऊपर कर लेता है, कोई देखता है कि यार ये मार्केट ऐसी है, इस मार्केट के अंदर ये ऑडियंस है, ये कस्टमर्स हो जाएंगे, अच्छा ये रेवेन्यू आएगा, अच्छा भाई ये वैल्यूएशन है कंपनी की, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं और वो हर इन्वेस्टर का अलग है, वो उसको देखते हुए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि इस कंपनी को ग्रो करेंगे, और मैंने आज सोचा इस कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है और मैं अगर 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो मैं 10% ले लूंगा इससे, कल को मैं अपनी मेहनत से इस कंपनी को प्रॉफिट में लाऊं ना लाऊं, प्रॉफिट एक डिफरेंट चीज है, मैं इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाऊंगा, मींस कि मैं इसके ऑर्डर्स रेवेन्यू हर चीज को इंक्रीज करूंगा, कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ से 20 करोड़ करूंगा अपनी हेल्प से, अपने इन्वेस्टर्स को लगा के। जब 20 करोड़ की वैल्यूएशन मेरी कंपनी की इस स्टार्टअप की हो जाएगी इन्वेस्टर के सामने जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका 10% जो 10 लाख था वो ऑटोमेटिकली 20 लाख हो गया, ठीक है ना। अब अगर वो चाहता है कि यार मैं एग्जिट होना चाहता हूँ, तो वो एज ए इन्वेस्टर एग्जिट हो जाता है, अपने 10% शेयर्स को बेचता है और 20 लाख लेके बाहर चला जाता है, तो उसने 10 लाख लगाए एक ऐसी चीज पे जिसको 20 लाख कर सकता था। लेकिन आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे आती रहती है इन्वेस्टमेंट्स, तो होता क्या है कि जिसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की भी होती है वो सीरीज 4 में जब एग्जिट कर रहा होता है, तो एक केक जो है ना, जिस केक में वो बहुत छोटा सा केक था उसका एक शेयर लिया था उसने, आज वो केक बहुत बड़ा हो गया, तो अब वही केक जो इतना सा था और उसका 10% शेयर उसका एक पार्ट था फॉर एग्जाम्पल, अब वो इतना बड़ा केक हो गया है, तो उसका 10% शेयर बहुत बड़ा हो गया, और इसी बेसिस के ऊपर कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स पे। इवन आप किसी भी स्टार्टअप की बात करें, दराज, करीम, फूड पांडा, एयरलिफ्ट, स्विल, ये सब लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर डेटाबेस कि हाँ यार ये मेरे मार्केट है, ये मुझे जानते हैं लोग, इसका मतलब है कि मैं अगर जस्ट लाइक दराज जो अलीबाबा के पास गया, दराज प्रॉफिट्स में नहीं था बट दराज के पास ट्रैक्शन थी यार कि डेली बेसिस पे 1000-2000 कस्टमर्स को डील करता है, तो अलीबाबा ने बोला नहीं यार वाव सीन है, अलीबाबा ने इन्वेस्टमेंट करी, अब वो उसी 10,000-2,000 को 4,000 करने के लगा हुआ है कि यार मेरी ट्रैक्शन, डिस्काउंट्स दो, कुछ भी करो, वी नीड डेटा। सो इस बेसिस पे वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, फिर बाद में सोचा जाता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, हाँ भैया प्रॉफिट भी हो सकते हैं कंपनी को, तो मेरे पैसे भी आ सकते हैं, प्रॉफिट भी आ सकता है। ये एक सिनेरियो है जो बिल्कुल डिफरेंट है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट और एक प्लॉट खरीदने की इन्वेस्टमेंट या एक दुकान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट है। ऐसे इसमें जो है वो खासतौर पे आपके सिनेरियो में जब आप जॉब कर रहे थे एंड ऑब्वियसली यू वर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस एज वेल, वो होता है, सब करते हैं, आप भी कर रहे थे, ऐसे में जॉब छोड़ के एक इस तरह के काम में जाना जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज नॉट ऑन अ डेली ऑन अ मंथली बेसिस वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक। सर मैंने फैमिली के वक्त जॉब नहीं छोड़ी थी, मेरी शादी भी हो गई थी 6 महीने पहले जब मैंने जॉब छोड़ी है, आई वॉज मैरिड 6 months बिफोर, ठीक है ना, उस वक्त मैंने जॉब छोड़ी है, और लोग मुझे, मैं जब जॉब छोड़ने की बात करता था ना, तो मैं जॉब की नहीं छोड़ता था कि मैं बोलता था यार रिश्ता नहीं आएगा, ठीक है ना, किस क्या बताएंगे ये क्या चला रहा है तो इसलिए, और जब मेरी शादी हुई तो मैं सबको बोलता था कि मैं शादी होते ही जॉब छोड़ दूंगा, और लोग मुझे बोलते थे तू बेटा शादी के बाद और फंस जाएगा, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ दूंगा, और मैंने शादी के बाद जॉब छोड़ दी, ठीक है ना। एंड इट वॉज, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि
ये वो डिसीजन था कि मैं या तो बिल्कुल नीचे गिरता या मैं उठ जाता। मैंने छोड़ी क्यों, मैंने बोला यार कि मैंने 6 साल जॉब कर लिया, ठीक है ना, अगर ये 2-3 महीने में ये काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं अगेन ट्रेड की के पास जाऊंगा, यार वापस रख लो, दे विल बी मोर देन वेलकम के यार आ जाओ, ठीक है। और ट्रेड की नहीं रखती तो मैं कहीं भी जाता, यार 6 साल का एक्सपीरियंस है भाई, तो मुझे एक जॉब मिल जाती। और मैं इस बात को प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैंने जो जॉब छोड़ी थी वो ये सोच के छोड़ी थी कि मैं या तो मैं फिर वापस जॉब कर लूंगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं बाइकियां चला लूंगा, मैं फूड पांडा चला लूंगा, मैं भूखा नहीं मरने वाला, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को फीड कर लूंगा, तो यार वाई नॉट छोड़ के एक एक्सपेरिमेंट कर लो और फिर देख लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरी जॉब करने की हिम्मत हुई नहीं, ना मुझे मेरी जो सर्कमस्टांसेस जितने भी हुए, और मजे की बात मैंने जब मैकेनिक उस्ताद को मैंने एग्जिट किया और मैंने हुकुम जना बनाया, तो उन दिनों में मैं फादर बनने में मुझे 6 महीने बाकी थे, ठीक है ना। तो जब मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं मैरिड था, और जब मैं मैकेनिक उस्ताद जिसमें प्रॉफिट्स कर रहा था, मेरे अच्छे पैसे बन रहे थे, वो जब छोड़ा है तो उस वक्त मैं जो है ना फादर बनने वाला था, दोनों ये रिस्क बहुत बड़ा लिया था मैंने, बड़े क्रिटिकल टाइम थे दोनों, शादी के 6 महीने बाद जॉब छोड़ दी और फादर बनने के 6 महीने पहले या कुछ अर्सा पहले अपना वो लीडर सेटअप पे आ गए। अच्छा, उसकी एक प्लानिंग की हुई थी मैंने छोटी सी, कि मैंने एक कमेटी डाली हुई थी फॉर माय बेबी, ठीक है ना, तो मैं एक माइंड से वहां पे रिलैक्स था थोड़ा सा। ये छोटी सी प्लानिंग्स थी, मतलब मैं बहुत ही लिमिटेड प्लान आउट, लिमिटेड कैश फ्लो के साथ एक छोटी सी प्लानिंग करता आ रहा था, तो वो एक रिलैक्स था कि यार इस महीने मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैं अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होगा। सो वहां पे एक रिलैक्सिंग मूड था, बट स्टिल वो एक प्लान आउट था। और फिर मैंने बोला, फिर आपको पता है वाइफ सपोर्ट ना करे, फैमिली सपोर्ट ना करे तो क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ भी सपोर्ट करती है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, मतलब फैमिली तो बोलती है कि वाओ सीन है यार कि तूने कुछ कर लिया है, जॉब नहीं है, टेंशन नहीं है, और पैसे नहीं आ रहे ना, मतलब पैसे आ रहे हैं घर में, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ। हाँ, जब कैश फ्लो का मसला होगा 2-4 महीने, तो मुझे पता है 2-4 महीने मेरी अम्मा मुझे कुछ नहीं बोलेंगी, जब मैं उनको मंथली बेसिस पे कुछ नहीं करूंगा, बोलेंगे चल खैर है, करता रहे करता रहे, लेकिन फिर वो भी कंस्ट्रेंट में आ जाएंगी यार कि एक हमारा एक क्या प्रोसेस है यार, क्या करें, मजबूरी हो जाती है फिर ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिसीजन आज तक बहुत अच्छे गए हैं, और सबसे अच्छी बात जो स्टार्टअप में आने के बाद हुई वो मेरी एक लर्निंग सबसे पहले हुई, बहुत लर्निंग हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा बेतहाशा, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि यार कंपनी को कॉर्पोरेट इनवाइस कैसे करनी है, ठीक है ना। बीबीए भी किया है कराची यूनिवर्सिटी से, एमबीए किया है मोहम्मद यूनिवर्सिटी से, बहुत कुछ सीखा, मार्केटिंग सीखी, वीडियोस बनाना सीखी, बात करना सीखी, टीचर्स ने बहुत सिखाया, बट कहीं ना कहीं लैकिंग रही मेरे अंदर, या इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि टैक्स इनवॉइस करना नहीं आती। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ही आती थी सर, पढ़ाई मार्केटिंग था, सारी मेजर्स मार्केटिंग के थे, फाइनेंस का 1 रुपए की चीज नहीं आती थी। तो लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ सीखा, टैक्स भी समझ गया, कंपनी रजिस्टर कैसे होगी, ट्रेडमार्क कैसे बनता है, वो सब कुछ समझ लिया, सब कुछ सीख लिया। अब जो है ना, अब बड़े लोगों के साथ बैठने का टाइम है कि यार मैं अपने से अच्छे लोग भाई के आगे फाउंडर के साथ बैठना उठना शुरू कर दूं, फूड पांडा के ओनर के साथ बैठना उठना शुरू कर दूं, फिर उनको समझूं कि हाँ यार ये कैसे पहुंचे यहाँ तक, यहाँ तक तो आ गए, अच्छा हो गया, अब इन तक पहुंचना है, तो उन तक। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है, मेरे पास इतने फोन आते हैं, सर ये स्टार्टअप खोल रहा हूँ एक, तो मैं इक्विटी कितनी दूं अपने दोस्त को, मैं जो हूँ वो ये वेबसाइट कैसे बनवाऊं, किससे बनवाऊं, कितने पैसे लगाऊं। अरे यार इतने YouTube पे जैसे मेरा एक इंटरव्यू हो रहा है, इसी तरीके से मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, पता है कितने अच्छे अच्छे फाउंडर जिन्होंने कितनी लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रेज करी हुई है, YouTube पे उनके इंटरव्यूज भरे पड़े हैं, तो जाके सुनते ही नहीं है लोग, देखते ही नहीं है लोग। अरे भाई जब आपको फ्री में चीज मिल रही है तो यार उसको देखो, बस हमारे यहाँ मसला ये है कि बस फोन कर लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, बस ये होता रहता है। और आई एम विलिंग टू हेल्प बट मैं उनको समझाता हूँ। नहीं, वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल की यूथ जो है, या आजकल कोई भी एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाला होता है ना, अगर सोचता भी है, क्योंकि अभी भी वो ख्याली पुलाव बनाने वाले उतने ही शायद उससे ज्यादा है जितने आपके और हमारे टाइम पे होते थे जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल उतने ही है, पर बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़े से भी लगा दिए तो भाई हमारा क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट वाले पैसे नहीं है, ये तो हमारे खर्चे के पैसे हैं, खाने ही खाएंगे कहाँ से। इस तरह की चीजें बहुत सारे लोगों के जहन में होती है जो उनको रोकती हैं फिर अपने अपने ऐसे बिल्कुल ऐसे एक्सप्लोर करने से। आपकी उन लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी, क्या जिस तरह से आपने एक बहुत सीरियस डिसीजन लिया, वो भी ऐसे टाइम पे, नॉर्मली यूथ की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम तो शादीशुदा से पहले वाली बात करते हैं, तो वो उन लोगों के पास वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जिस तरह से आपके ऊपर। आप शादी कर चुके थे, बच्चा होने वाला था, एंड यू वर न्यूली मैरिड, आपके टाइम के ऊपर ऐसे डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। आपकी उन लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी, व्हाट दे नीड टू डू टू टेक दिस बोल्ड स्टेप ऑफ ट्राइंग टू लिव देयर ओन ड्रीम व्हाट दे वांट टू। सर इसमें मैं एग्जांपल है अपनी, जो हमने जब शुरू किया था, जब हमने मैकेनिक के साथ शुरू किया था तो हमारी एक सैलरी थी, जो सैलरी माशाल्लाह से फिक्स थी, मतलब हमारे पास पैसे ऑफ कोर्स वो फिक्स होते थे, ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, तो हमें चाहिए थे 90,000 रुपीज चाहिए थे। हम सोच रहे थे यार कि एक टूल बॉक्स होगा, एक वेबसाइट बनेगी, एक ये होगा, एक वो होगा, सब कुछ होगा, 60-70 हज़ार रुपए चाहिए थे। हमने एक बीसी डाल ली, हम तीनों ने मिलकर एक बीसी खोली, मतलब हमने खुद शुरू कर ली बीसी, और हमने कोई 20-22 लोग जमा की ये, और 5,000 रुपए की ओबीसी थी, 5,000 पर बंदा की ना, हम तीनों ने मिलके ओबीसी डाली, मतलब 1,500 रुपए एक बंदे पे आ रहा था, और पहली बीसी हमारी थी, तो उससे क्या हुआ 60,000 रुपए आ गए थे, ठीक है। और 60,000 रुपए से हमने टूल बॉक्स खरीदा, हमने डोमेन खरीदा, हमने वेबसाइट बनवाई, वेबसाइट तो फ्री में बन गई थी दोस्त से, उसी पैसों से हमने मार्केटिंग स्टार्ट करी। अच्छा, हम जॉब कर रहे थे उसमें, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जॉब कर रहे थे, इसलिए हमें उन पैसों की जाने की टेंशन नहीं थी कि यार 1,500 ही तो पर महीना है, मतलब हमने 1,500 रुपए महीने का रिस्क लेके एक आइडिया लगा लिया था कि चल यार इससे कर ले। लेकिन आज के बच्चे को तो मैं ये बोलता हूँ भाई के, उस वक्त तो हम जॉब कर रहे थे और हमने अपने ग्रेजुएशन के भी 5 साल के बाद डिसीजन ले रहे थे। अगर तुम ग्रेजुएट हो और तुम्हें स्टार्टअप करना है तो पहले तो तुम एक इंटर्नशिप या एक जॉब कर लो, 2-3 महीने की कहीं जॉब वॉब करके आ जाओ 2-3 महीने के लिए, और समझ लो कि यार कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉस क्या होता है, एचआर क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, लोगों से मिलजुल के जॉब वॉब छोड़ दो। उसके बाद वेबसाइट की डोमेन, आजकल हर बंदा, अगर आप कहीं किसी कराची पे लिख दें यार एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जो मेरी वेबसाइट बना दे, तो एक मक्खी का छत्ता हो जाएगा जो आके आपके साथ लग जाएगा। तो उनमें से आप वो लो ग्रेड पीपल उठा सकते हो जो कि 4-5 हज़ार रुपए लेके आपकी एक वेबसाइट को खड़ा कर देंगे, ठीक है ना, और उसकी 2,200 रुपए का उसका डोमेन है, ठीक है ना, और 6,000 रुपए की होस्टिंग है, ठीक है ना, तो ये 12,000 रुपए में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अगर आपका कोई दोस्त वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करना जानता तो 5,000 रुपए खर्च होंगे, वरना वो दोस्त बना देगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत ही आसान चीज है, ट्यूटोरियल से बन जाती है। मैंने करी नहीं, सीखा नहीं है, लेकिन मुझे मैं वेबसाइट बनी हुई वेबसाइट को आज अपने वर्डप्रेस से एडिट कर लेता हूँ, चीजें चेंज कर लेता हूँ, और मैं इस सेक्टर से बिल्कुल बाहर था, मतलब कंप्यूटर साइंस और ये सब मुझे कुछ नहीं बताती, बट सीखते सीखते मैं आप वर्डप्रेस चला लेता हूँ, बना नहीं सकता, एडिट कर सकता। Thank you so much, certainly your story is very inspiring. In fact, ये बहुत realistic story है. इतनी realistic है कि जिसमें I was surprised to know कि आप लोगों ने, तीन दोस्तों ने 1,500 करके 5,000 की PC डाली और उससे अपना पहला स्टार्ट अप किया था. This is excellent. वजह उसके ये है कि लोग रुक जाते हैं. लोग समझते हैं, youngsters हों या दूसरे हों, वो ये investment को लेके अटक जाते हैं. मैं आपको अपना बताऊं तो when I started off at $600 और मैं घर से बैठ के जो है वो कंपनी के लिए मैं उनको कुछ सर्विसेज, इंक्यूबेशन सर्विसेज दे रहा था. मेरे अब्बा को उस वक्त ये बात नहीं समझ कि ये करता क्या है घर के लिए. इनफैक्ट मुझे याद है कि वन टाइम समबडी आस्क्ड हिम कि हमजा क्या करता है, तो उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर पे बैठ के कुछ टिक 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 करता है, पता नहीं है क्या करता है. महीने बाद वहाँ के जब $600 की सैलरी मेरी आई और मैंने उनको ला के दिया, तो भी उनको जो है ना तसली नहीं हुई. व्हाई? बिकॉज़ माय फादर हैज यूज्ड टू बी यू नो अ जॉब पर्सन, 9 to 5 जॉब, प्रॉपर जॉब, सारी जिंदगी 9 to 5 जॉब, टायर आगे, रोजाना सुबह ऑफिस जाना और वापस आना शाम में. एग्जैक्टली. और मैं आपको बताऊं, मैं मुझे उन्होंने आखिर कुछ अरसे के बाद कहा कि ये तुम क्या फुलियात पे लगे हुए हो, क्या करियर है इसमें, कुछ नहीं है. आई जॉइन द बैंक ऑन probably 20% or 30% of the money that I was making from my online work. और मैं सुबह गाड़ी चला के सूट पहन के बैंक जाता था और शाम को वापस आता था, एंड माय फादर वाज हैप्पी. ये अब लगा है मेरा बेटा काम, यू नो, कमाओ पूत हो गया है. हां, अब वो जो कम पैसे आ रहे थे ना, वो उनको ठीक लग रहे थे, क्योंकि वो एक रूटीन थी, एक रूटीन के उनको समझ आती थी. आजकल के टाइम में अगर किसी ने अपना स्टार्टअप करना है, so that person can actually take a lot of heart from what you just said. आपने अपना startup शुरू कैसे किया? एक दफा सोचा और उसको decision देके किया. जेब में पैसे नहीं है ना, तो भी काम कर सकते हैं. जेब में अगर आप, जब आपके पास confidence नहीं है, I believe, until then, unless you don't believe कि
आप ये काम करोगे और वो चलेगा, और जब तक उसके ऊपर फोकस नहीं होगा, एंड देन यस गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, डोंट गेट इनटू समथिंग दैट यू डोंट नॉट नो, कुछ किसी की चीज को नहीं जानते, अफसर बन के बैठने का शौक है तो वाकई ही मुबारक रहे आपका आपका सीईओ का काम, 2-3 महीने बाद आप वापस बेरोजगार होके इधर से ही पूछते होंगे कि यार जॉब नहीं मिल गई, यू नो, तो वो चीज जो है ना वो अंदर से वो हटाएं. द पॉइंट इज राइट, आई एम ट्राइंग टू मेक, फिगर इज आल्सो मेकिंग, के ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, थिंकिंग ऑफ समथिंग यू वांट टू डू, टेक इट एंड टेक इट हेड्स ऑन, करके तो देखो. एंड यू ट्रस्ट मी, मेरे मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, हिजर ने अभी जो बताया, हिजर इज मच बेटर एग्जाम्पल, मैं फिर भी बहुत कुछ फैसिलिटीज इंजॉय कर रहा था. हिजर ने जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, दैट इज एक्सीलेंट, कि अगर आज भी कोई अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, जिसमें उसको वाइट कॉलर या कॉलर वाली शर्ट पहन के जो है रोज जाने की जरूरत ना हो, बैठने की जरूरत ना हो, घर बैठ के काम कर सके, तो वो आज भी कर सकता है, बिकॉज देयर इज वर्क आउट देयर. आपको जॉब चाहिए, काम है, आपको बिजनेस करना है, काम है, इट्स जस्ट दैट यू इन योर ओन आई एंड माइंड नीड टू हैव दैट आइडिया, आपको वो अप्रोच चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, आप उस जगह को देख सके. अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, आपके सामने भी आई होगी, मेरे सामने भी आई होगी, लेकिन अगर हमारी आंखें उस पर बंद रही होंगी तो हम उसको मिस कर चुके होंगे, और वो मिस करने को फिर बाद में अपना फेलियर बना के दिखाते हैं कि हमें नहीं मिला क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था, उसको मिल गया. ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता, किस्मत का अमल दखल है, लेकिन ऐसे नहीं, वो आपके सामने से भी वही अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यूज होगी डिफरेंट तरीके से. नजरें खुली रखने की जरूरत है, दिमाग खुलने की जरूरत है. आजकल का दौर डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज. Sitting at home, I was a few days back in Australia talking to someone. Tomorrow I am going to be in Ontario. आज मैं कराची में हूँ. इससे पहले भी कल भी मैं कराची में ही इससे बात कर रहा था. So you're not, you're one click away from the rest of the world. The only point is how do you use this opportunity? Hamza Amir को keeping it real से इजाजत दीजिए. Khidr, बहुत शुक्रिया आपकी ये कहानी. मैं बहुत लोगों को भेजने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हम भी उसी टाइम से गुजरे हैं जब बैठ के बहुत right. आज भी ऐसे हैं लोग, मैं चाहूंगा कि वो सुने ताकि उनको भी पता चले कि अगर जेब में नहीं है और जिम्मेदारी भी है, ऐसी जिम्मेदारियां होने के साथ आपने इतना किया और आज आप माशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, घर बैठ के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इससे बढ़ के और ज्यादा सुकून कोई हो नहीं सकता. तो थैंक यू वन मोर टाइम हमजा अमीर को. पीपल इजाजत दीजिए, कीपिंग इट रियल से टिल द नेक्स्ट एपिसोड, वी कम विद अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह.